हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो उम्मीद ये है कि आपकी मेंस की तैयारी जो है इस हफ्ते से शुरू हो गई होगी। नहीं हुई होगी तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, अपनी मेंस की तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन आपके पास बचा नहीं है। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे GS3 में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, और उस सवालों के हिसाब से और UPSC के सिलेबस के हिसाब से क्या क्या आपकी माइक्रो टॉपिक लिस्ट बन सकती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले देख लेंगे सारे सवाल और उसके बाद में देखेंगे माइक्रो टॉपिक लिस्ट। तो शुरू करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके क्या क्या पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पूछा गया है इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सप्लेन ये इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल इशूज जो है इक्विटी फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो काफी बेसिक सा सवाल है, जब आप इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ेंगे तो देन वेरी वेल यू कैन एड्रेस दिस पर्टिकुलर इशू कि ये इंटर जनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल इशू एग्जैक्टली क्या है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ग्रोथ डेवलपमेंट के सेक्टर से ये क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पोटेंशियल GDP एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल GDP। बेसिक क्वेश्चन रहा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थ्री आप यहां पर देख सकते हैं, दैट इज डू यू अग्री विद द व्यू दैट स्टेडी GDP ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। नाउ अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले सेक्टर से ये क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर या इवन ग्रोथ को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है, तो वेरी वेल यू कैन कनेक्ट दिस टू थिंग्स, कि ये जो स्टेडी GDP की ग्रोथ है और ये जो लो इन्फ्लेशन है, हाउ इट इज गुड फॉर एनी इकोनॉमी, नॉट जस्ट इंडियन इकोनॉमी, एनी इकोनॉमी, तो आप उसमें आर्ग्यू कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक सा सवाल यहां पर ये पूछा गया था। फर्दर इंक्लूसिव ग्रोथ से एक और क्वेश्चन है, इट इज अर्ग्यूड दैट द स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इज इंटेंडेड टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, थोड़ा सा बोल बच्चन टाइप का सवाल है, लेकिन इजी क्वेश्चन था। इंक्लूसिव ग्रोथ की आइडिया अगर आपकी सही होगी तो यू कैन स्कोर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन इकोनॉमी के प्लानिंग का जो पार्ट है उसमें से सवाल है नीति आयोग को लेके। आई गेस दिस इज फ्रॉम 2015, दिस शुड बी फ्रॉम 2015 और 2016 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो काफी बेसिक सा सवाल था तब, ये प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग का एग्जैक्टली रोल क्या होगा, क्या इंटरचेंजेबल रोल्स यहाँ पर देखे गए हैं, उसके बारे में कई सवाल बन रहे थे, तो उसी में एक सवाल पूछा गया है। फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर सवाल पूछा गया है कि अमंग सेवरल फैक्टर्स फॉर इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ सेविंग रेट इज मोस्ट इफेक्टिव वन, डू यू अग्री एंड वॉट आर द फैक्टर्स अवेलेबल फॉर पोटेंशियल ग्रोथ, ग्रोथ पोटेंशियल। सो नाउ अगेन अगर आप इसको देखें तो आपके जो बेसिक इश्यूज है सेविंग्स रेट और आपकी जो ग्रोथ होती है उसको लेकर यह सवाल पूछा गया है। फेयरली बेसिक क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग द ग्रोथ ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स रादर देन कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स, सजेस्ट मेजर्स फॉर मोर लेबर इंटेंसिव रादर देन कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स। नाउ ये जो क्वेश्चन है, अगेन आई विल से कि ये बेसिक क्वेश्चन ही है। इंडियन इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स है और हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतनी स्ट्रांग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इतना सही नहीं होगा, और कहीं पर वहीं पर आपको ये सवाल जो है बनते हुए दिखाई देगा कि ये जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स है, हमारे लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स होने चाहिए सो दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हो। तो अगेन बेसिक इंडियन इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है उसी के ऊपर कहीं ना कहीं ये सवाल आपको दिखाई देगा। देन अगेन देर इज वन क्वेश्चन ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ की सीलियंट बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के ऊपर अगला सवाल है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यही भी आपके इंक्लूसिव ग्रोथ का ही पार्ट होगा। उस समय पर यह PM जनधन योजना जो थी काफी चर्चा में थी, तो अगेन आप इसको करंट अफेयर्स में भी क्लब कर सकते हैं या इंक्लूसिव ग्रोथ में भी क्लब कर सकते हैं। फर्दर देर इज कमेंट ऑन द चैलेंजेस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, विच इंक्लूड्स केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर इन द इंडियन कंटेक्स्ट, सजेस्ट मेजर्स टू बी टेकन फॉर फेसिंग दीज चैलेंजेस। नाउ इंक्लूड केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर इन इंडिया, तो एम्प्लॉयमेंट का जो हमारा इशू है और इंक्लूसिव ग्रोथ जो है उसी में कहीं ना कहीं आप सवाल देखेंगे। अगेन एम्प्लॉयमेंट के इशूज अगर आप देखें उसमें आपको ये केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर की जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। फर्दर देर इज
Another feature of India's growth, that is jobless growth. The nature of economic growth in India is described as jobless growth. Do you agree with this view? Give arguments in favor of your answer. पहले ही मैंने ये कहा था कि देखिए इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो कि मैन्युफैक्चर बेस्ड होनी चाहिए, आइडियली होता ही है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होती है देन मैन्युफैक्चर बेस्ड इकोनॉमी हो जाएगी और उसके बाद में सर्विस बेस्ड इकोनॉमी हो जाएगी. अगर इस प्रकार से फ्लो होता है तो आपके जॉब क्रिएशन जो है जॉब क्रिएशन हमेशा सही रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी अच्छी जनरेट होगी. लेकिन इंडियन इकोनॉमी के साथ ऐसा नहीं हुआ. इंडियन इकोनॉमी हमें हम लोग देखते हैं कि हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ रही सबसे पहले और उसके बाद में हम लोग एक सर्विस इकोनॉमी बन गए और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने का जो हमारा स्टेप है हमने स्किप कर दिया और उस चक्कर में वी हैव हैड अ जॉबलेस ग्रोथ जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. कई सारा लिटरेचर इसके ऊपर लिखा जा चुका है तो उसको पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू आपको ये दिखाई देगा. नेक्स्ट इज इंडिया के फिस्कल को लेकर सवाल पूछा गया है. गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये स्कीम उस समय पे न्यूज़ में थी जब आई थी तो तभी का ये सवाल है. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं उसमें एक सवाल है. कैपिटलिज्म हैज गाइडेड द वर्ल्ड इकोनॉमी टू एन अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी, हाउएवर इट ऑफन एनकरेजेस शॉर्ट सिटेडनेस एंड कंट्रीब्यूट्स टू वाइड डिस्पैरिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर. इन दिस लाइट वुड इट बी करेक्ट टू बिलीव एंड अडॉप्ट कैपिटलिज्म ड्राइविंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया. तो ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी नहीं होगा, मिस्टेकनली इट हैज बीन पुट इन देयर. तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ का ही इशू है, कैपिटलिज्म वर्सेस बाकी जो फॉर्म्स होते हैं डेवलपमेंट के. तो उसमें आपको ये अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही आपको ये सवाल पूछा गया है. फर्दर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें, एक क्वेश्चन है CSR के बारे में 2013 में, तो ये कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, ऑब्सोलेट क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको लग सकते हैं. देन सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम एंड रेडिकल लेबर रिफॉर्म्स. फर्दर आप देख सकते हैं कि ये जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है, एम्प्लॉयमेंट के इशूज पर रिपीटेडली आपको क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देंगे. वाइल वी फाउंड इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड वी इग्नोर द ड्रॉपिंग रेट्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, वॉट आर वी मिसिंग वाइल डूइंग सो, वेयर विल द जॉब्स दैट इंडिया डेस्परेटली नीड्स कम फ्रॉम. अगेन सेम इम्पॉर्टेंट थीम, ठीक है, जॉब क्रिएशन कैसे होगी एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज में क्वेश्चंस बहुत बनते हैं. बात करते हैं टैक्सेस के ऊपर क्वेश्चन की, GST के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है. हाउ कोविड हैज इम्पैक्टेड GST कंपनसेशन, बड़ा ही फेडरल हमारे जो इश्यूज है उसमें ये GST कंपनसेशन का इशू चलते ही रहता है. तो देख लीजिए अभी भी दो तीन दिन पहले जो वेस्ट बंगाल की कोई एक एक्स मिनिस्टर थे, ही सेड कि 3-4 महीने के 3-4 साल के लिए फिर से एक बार GST कंपनसेशन जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए. तो ये परसिस्टेंटली न्यूज़ में रहने वाले इश्यूज है, इस पर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि जितने मैक्सिमम नंबर हो सके उतने मैक्सिमम नंबर मिले. एन्यूमरेट द इनडायरेक्ट टैक्सेस विच हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन द GST. अगेन सेम क्वेश्चन उसी एक सेक्टर से. द पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज अ चैलेंज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ बजट मेकिंग ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड, क्लैरिफाई इट. देखिए ये पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट फिस्कल पॉलिसी जो है उसको लेके भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं, तो FRBM का वगैरह एक्ट है वो सारी चीज़ें जो है आपको सही से कवर करनी होगी. कमेंट ऑन द इम्पॉर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, बेसिक है जो आपका बजट का बेसिक इशू होता है उसको लेके सवाल पूछा गया है. फर्दर टू 2017-18 का जो बजट रहा उसकी थीम के ऊपर सवाल है, तो बजट को इग्नोर नहीं करना है, राइट. दैट इज समथिंग विच दिस क्वेश्चन इज टेलिंग यू. वेमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया नीड्स जेंडर बजटिंग, बजट के जो बेसिक्स होते हैं राइट, तो उसी के ऊपर एक जेंडर बजट भी उसमें टॉपिक होगा, जीरो बजट टॉपिक होगा, तो एक बार फेयर अंडरस्टैंडिंग उसमें ले लीजिएगा और क्या उसके एस्पेक्ट्स होते हैं उसको भी देख लीजिएगा. देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये बड़ा न्यूज़ में चला था, खैर अभी तो उतनी चर्चा इसकी नहीं हो रही है, बट अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन है. FRBM एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स एक्सपेंडिचर एंड टेकिंग हाउसिंग सेक्टर एज एन एग्जांपल, डिस्कस हाउ इट्स इन्फ्लुएंस बजटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये अगेन टैक्सेस जो है वेरियस कंपोनेंट जो है आपके वेरियस कंपोनेंट जो है बजट के, उसमें आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये टैक्स एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली होता क्या है, तो आप इसको सही से लिख सकते हैं. टैक्सेस की ही बात करते हैं अगले क्वेश्चन में. डिस्कस द रेशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग GST. अगेन आप देख लीजिए 4-5 क्वेश्चन अभी हो गए हैं GST को लेकर, तो GST
जितने भी चेंजेस उसमें हो रहे हैं, जितने भी उस पर डायमेंशंस निकल कर आ रहे हैं, प्लीज़ रीड दोज इशूज़ वेरी वेल। मूविंग फर्दर, वी हैव टू डिस्कस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, उसका मीनिंग क्या है ये पूछा गया है। एंड डिस्कस द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल डिजाइनिंग अ कंसेशन अग्रीमेंट बिटवीन पब्लिक एंटिटी एंड प्राइवेट एंटिटी। तो ये भी एक बेसिक सा सवाल था, अगर आपका ये एरिया सही है तो वो क्लियर हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सवाल बनते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विथ ग्रोइंग नीड्स शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपांडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। तो फैक्ट्स एंड फियर बहुत ही बेसिक सा सवाल है, यू शुड नॉट बी मिसिंग एनी सिंगल नंबर ऑन दिस क्वेश्चन। एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी इज द साइन क्वा नॉन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कमेंट ऑन द प्रोग्रेस मेड इन इंडिया इन दिस पर्टिकुलर एक्सटेंट। तो ये भी बेसिक सा सवाल है, एग्जामिन द डेवलपमेंट्स ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया थ्रू जॉइंट वेंचर्स PPP, आपके सिलेबस का ही पॉइंट है। वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स जो है उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर में स्मार्ट सिटीज़ न्यूज़ में बना रहता है, स्कीम्स में भी बना रहेगा। स्मार्ट सिटीज़ हो, रूरल अर्बन डिफरेंसेस हो, पूरा है, रर्बन है, तो ऑल दीज आर एनी वे आपके स्कीम्स में भी कवर हो जाएंगे और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अदरवाइज उसको कवर करना है, तो देर इज एब्सोल्युटली नो चांस कि ये आप मिस करें। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से क्वेश्चन है, जस्टिफाई द नीड फॉर FDI फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। व्हाई देर इज अ गैप बिटवीन MOU साइंड एंड एक्चुअल FDI, सजेस्ट रिमेडियल स्टेप्स टू बी टेकन फॉर इंक्रीजिंग एक्चुअल FDIs इन इंडिया। FDI 2013-14 में एक काफ़ी बड़ा इशू हुआ करता था, तो तब ये सवाल जो है काफ़ी बनते थे, अभी भी ये सवाल बन सकते हैं FDI को लेकर। आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है FDI की क्लियर होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर एक क्वेश्चन है, देर इज एक्नॉलेजमेंट दैट SEZ आर अ टूल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। रिकॉग्नाइजिंग दिस पोटेंशियल द होल इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ SEZs रिक्वायर ऑगमेंटेशन। डिस्कस द इशूज प्लेगिंग द सक्सेस ऑफ SEZs विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन गवर्निंग लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SEZ, जनरली ये स्किप हो जाएगा आपके प्रिपरेशन में, तो उसको सही से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगेन SEZ का पार्ट हो गया या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का पार्ट हो गया, दे बिकम इंटरकनेक्टेड इन अ वे, सो यू शुड बी थरो विद दैट। देन लैंड एक्विजिशन के ऊपर क्वेश्चन है, बेसिक सवाल है अगेन, करंट अफेयर्स का ही आप इसको क्वेश्चन कहेंगे। नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एम्फोसाइजेज ऑन मूविंग पीपल इंस्टेड ऑफ मूविंग व्हीकल्स। डिस्कस क्रिटिकली द सक्सेस ऑफ वेरियस स्ट्रैटेजीज ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है उसका डिस्कशन चल रहा था, उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में यह क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। PPP अग्रीमेंट के बारे में सवाल पूछा गया है, इन लॉन्गर जेस्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैन ट्रांसफर अनसुटेबल लाइबिलिटीज टू द फ्यूचर। व्हाट अरेंजमेंट्स नीड टू बी पुट इन प्लेस टू इंश्योर दैट सक्सेसिव जनरेशन कैपेसिटी। अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आपके जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है उसमें PPP एक इंपॉर्टेंट मॉडल है, उसके सारे डायमेंशन आपको कवर करने हैं। अगेन देर इज वन मोर क्वेश्चन ऑन PPP। मॉनेटरी पॉलिसी, हाउ वुड द रिसेंट फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन इन द वर्ल्ड ट्रेड अफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। फेयरली बेसिक क्वेश्चन, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, करंट अफेयर्स अगर आपके क्लियर है, ठीक है, तो यू कैन स्कोर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वेरी वेल। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज लैग्ड बिहाइंड इन द ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, उसके रीजंस क्या है वो पूछे गए हैं, ठीक है। हाउ फॉर द रिसेंट चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी आर कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। तो ये कोई बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आप नहीं कह सकते, दो तीन इशूज को आपको थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके एनालाइज करके आंसर लिखना होगा, ठीक है। अदरवाइज जो आपके LPG रिफॉर्म्स है 1991 के, वो अगर आपके थरो होंगे तो थोड़ा बहुत मटेरियल तो आपको यहाँ से वहां से तो मिल ही जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बात करें एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक और क्वेश्चन की, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इज इंक्रीज्ड इनफॉर्मलाइजेशन डेट्रीमेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये अगेन जो एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स है फॉर्मल, अभी आप एक देखिएगा जी इकोनॉमी जो है उसको लेकर भी हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए, तो वो भी सही से कर लीजिएगा।
सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में एक क्वेश्चन है, कंट्रीज शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड देन लेटर टू सर्विसेज, बट इंडिया के केस में ऐसे नहीं हुआ तो उसको लेके अगेन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा सेम थीम पर, राइट। नाउ लिबरलाइजेशन पे क्वेश्चन है, FDI इन द डिफेंस सेक्टर इज नाउ सेट टू बी लिबरलाइज्ड, व्हाट इन्फ्लुएंस दिस इज एक्सपेक्टेड टू, करंट अफेयर्स में ये FDI का इशू था डिफेंस सेक्टर में, तो उसको लेके सवाल पूछा गया है। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन कंपनीज ओन्ड बाय इंडियन, आर दे कम्पीटिंग विद द MNCs सैटिस्फैक्टरीली। अगेन आपके जो लिबरलाइजेशन 1991 का जो आप इशू पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आप इन सारे मुद्दों को कवर करेंगे। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ FDI एंट्री इन टू मल्टी रिटेल, 2013 में ये 14 में काफ़ी बड़ा हंगामा हुआ था इसको लेके, तो उसको ये क्वेश्चन है। सिमिलरली देर इज वन मोर क्वेश्चन ऑन FDI, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ डिराइविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू द कन्वेंशनल एनर्जी, वॉट आर दी इनिशिएटिव ऑफर्ड बाई गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज। इंडिया सोलर एनर्जी में काफ़ी काम कर रही है, तो जो आपके सोलर एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेके ये सवाल है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। नाउ इन ऑल देर इज़ वन मोर क्वेश्चन, नेशनल प्रोग्राम ऑन लाइट एमिटिंग डायोड्स, ठीक है, बेसिक स्कीम्स पर सवाल है। देन देर इज वन मोर क्वेश्चन सोलर एनर्जी को लेकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके जो एस्पेक्ट्स है उसको लेके सवाल है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और कन्वेंशनल एनर्जी पे सवाल है, और एक रिवर रन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो होते हैं उस पर सवाल है। नाउ इफ यू लुक एट द थीम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिलेबस इकोनॉमी में, टिपिकली आप देखेंगे कि चीजें बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है, पूछने का मे बी एंगल बदल रहा है, पूछने का कोई एक कंटेक्स्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन टॉपिक वही है। तो हमें इतना ही सीखना है कि आपकी जो प्राइमरी प्रिपरेशंस होनी चाहिए, प्राइमरी प्रिपरेशंस आपकी हमेशा इन्हीं लाइंस पर होनी चाहिए। एक तो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है उसको बहुत अच्छे से समझ लें, इंडिया की जो बजट की पॉलिसीज है, फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके बेसिक आपके एकदम स्ट्रांग होने चाहिए। देन वी कम टू द पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बहुत अच्छे से एम्प्लॉयमेंट का इशू प्रिपेयर कर लीजिए, 2-3 पन्नों में जितने भी आपके नोट्स बनेंगे उसके काफ़ी अच्छे कंसोलिडेटेड नोट्स बना लीजिए, समवेयर क्वेश्चन विल लाई इन योर नोट्स ओनली अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। देन कमिंग बैक टू टैक्सेस, आप देख सकते हैं GST पे कितने सवाल पूछे गए हैं। देन कमिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, देर हैव बीन लाइक रिपीटेड थीम्स, ठीक है, तो ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस ऑफ 9 ईयर्स, और 9 ईयर्स में अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 9 में से 3 बार या 4 बार सवाल दिख रहे हैं, तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चंस रिपीट ही हो रहे हैं, ठीक है, या क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहे तो कम से कम थीम तो रिपीट हो ही रही है, ठीक है। तो अगर आप उन थीम्स पर अच्छे से काम करें, उन टॉपिक्स पर अच्छे से काम करें, यू विल डिफाइनेटली स्कोर बेटर। देन FDI एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, रिफॉर्म्स जो है 1991 के वो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, सोलर एनर्जी हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट थीम, रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट थीम। तो ये एक आईडिया आपको मिल जाएगा कि इकोनॉमी के सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर तक आपको क्या क्या इश्यूज कवर करने हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में यहाँ पर आप देख सकते हैं देर इज अ क्वेश्चन ऑन क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, ये राइस वीट सिस्टम को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। अब ये राइस वीट सिस्टम से एक और बात याद आई, वीट के जो इश्यूज है उनको सही से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बाकी करंट अफेयर्स आप जानते ही हैं क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देन देर इज क्वेश्चन ऑन इरिगेशन, सजेस्ट मेजर टू इंप्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम, बहुत बेसिक सा सवाल है। बायोटेक्नोलॉजी, हाउ बायोटेक्नोलॉजी कैन इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर्स। देन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, आपकी एग्रीकल्चर सिस्टम जो होगी, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो होगी, ठीक है, जीरो फार्मिंग हो सकती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स हैं, इसके इतने जितने भी टाइप्स होंगे, हाइड्रोपोनिक्स हो सकते हैं, एरोपोनिक्स हो सकते हैं, सबको अच्छे से प्रिपेयर करें, कभी हो सकता है कि उसके ऊपर भी आपको सवाल पूछ लिया जाए। इरिगेशन में एक नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट के ऊपर सवाल है, ठीक है। देन एग्री रिफॉर्म्स की बात करें तो विश्वेश्वरैया और MS स्वामीनाथन के क्या कंट्रीब्यूशंस रहे उसको लेके सवाल पूछा गया है। जब भी आप एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात करेंगे, यू विल डिफाइनेटली कम अक्रॉस दीज पीपल। यू विल टॉक अबाउट विश्वेश्वरैया, यू विल टॉक अबाउट MS स्वामीनाथन, यू विल डिफाइनेटली टॉक अबाउट वर्गीस कुरियन, ठीक है। तो वर्गीस कुरियन का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है व्हाइट रिवॉल्यूशन में, तो उसको भी देख लीजिएगा एक बार, तो आपकी हो सकता है कि उस डायमेंशन में कभी क्वेश्चन बन जाए तो वो क्लियर हो जाएगा। देन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्गेनिक
स्टेट पर सवाल पूछा गया है, आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑलरेडी बता चुके हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आपको सही से करनी है, एग्री स्कीम्स में सवाल होंगे तो स्कीम्स एंड बाकी प्रोग्राम्स आप वैसे भी करेंगे तो वो तो आपका कवर हो ही जाएगा। देन क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द एम्फसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द क्रॉपिंग पैटर्न्स इन रिसेंट पास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मिलेट्स के प्रोडक्शन और कंजम्पशन को लेकर बेसिक थीम है क्रॉपिंग पैटर्न में, ये बहुत बेसिक थीम है कि ये जो आपका ट्रेडिशनल क्रॉपिंग पैटर्न था, मिलेट बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न था, और अभी जो आपका राइस वीट सिस्टम चल रहा है अक्रॉस दी कंट्री, तो इसके जो भी इम्पैक्ट्स है, एनालिसिस है, सारी चीज़ें आप क्रॉपिंग पैटर्न में वैसे कवर करते ही हैं। देन सी आई वॉज टॉकिंग अबाउट राइस वीट सिस्टम, देर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट आर द मेजर रीजन्स बिहाइंड द डिक्लाइनिंग ऑफ राइस एंड वीट यील्ड। ठीक है, तो थीम आप देख सकते हैं, थीम रिपीटेड थीम्स आपको दिखाई देगी। इरिगेशन के ऊपर सवाल है, व्हाट इज वाटर यूज एफिशिएंसी, माइक्रो इरिगेशन क्या होता है, एलिलोपैथी क्या होती है, इरिगेशन करेंगे तो ये एलिलोपैथी क्या होती है सही से समझ जाएंगे। ठीक है, बच्चे नहीं जानते थे बट इट इज़ वेरी इजी। एग्री स्कीम्स की बात करें, गिवन द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू वेगरीज ऑफ नेचर, डिस्कस द नीड फॉर क्रॉप इंश्योरेंस एंड ब्रिंग आउट द सीलियंट फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगेन स्कीम्स आप कर लेंगे तो ये वाला पार्ट जो है कवर हो जाएगा। बात करें वेरियस टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन की, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं एग्री रिफॉर्म्स की, एग्री रिफॉर्म्स जो होंगे उसमें आप ये रिवॉल्यूशंस की बात करेंगे तो ये आपका सही से कवर हो जाएगा। एग्री स्कीम्स की बात करें, अगेन डिजिटल इंडिया और ये जो आपकी फार्मर की इनकम है उसमें किस प्रकार से डिजिटल इंडिया इंपॉर्टेंट है, दैट इज द क्वेश्चन। एग्री मार्केटिंग में व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट्स इन द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बड़ा ही बेसिक सा सवाल था। एग्री मार्केटिंग में बता दूंगा एग्जैक्टली एग्री मार्केटिंग में आपको क्या क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन फूड सेक्टर या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, बेसिक सा सवाल है। एलेबोरेट ऑन द पॉलिसी टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट द चैलेंजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, बेसिक क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सुपर मार्केट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फूड आइटम्स, बहुत आसानी से आप इसको टैकल कर सकते हैं। वॉट आर द रीजन्स फॉर द पुअर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट, हाउ द फूड प्रोसेसिंग यूनिट विल हेल्प टू अपलिफ्ट द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पुअर। काफ़ी बेसिक सवाल है, फूड प्रोसेसिंग के चैलेंजेस अगर आप पढ़ें तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस में आप यही चीज़ें पढ़ेंगे। लाइफ स्टॉक को लेकर हालांकि कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछा गया है, एक खाद दो सवाल आपको दिखाई देगा 9 साल में, बट देन अगेन आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर, और उस कारण से उसका जो सिग्निफिकेंस है, डे बाय डे यू विल फाइंडिंग दैट फार्मिंग में लाइफ स्टॉक का सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो उसको लेके हो सकता है कि अगेन अभी तक ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन सवाल पूछे जाए तो आई टेल यू एग्जैक्टली क्या चीज़ें आपने इसमें कवर करनी है। नाउ सी क्वेश्चन इज आस्किंग, लाइफ स्टॉक रियरिंग हैज़ अ बिग पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकमिंग रूरल इंडिया, डिस्कस सजेस्टिंग सुटेबल मेजर्स टू प्रमोट दिस पर्टिकुलर सेक्टर इन इंडिया। बेसिक सा ही सवाल था, मतलब आपको बहुत जानकारी भी नहीं होगी तो भी आप इस मेजर्स को लेकर काफ़ी आसानी से एग्जाम हॉल में लिख सकते थे। एग्री बेसिक से एक सवाल है लैंड होल्डिंग को लेकर, तो लैंड रिफॉर्म्स अगर आप करेंगे, ठीक है, वेन एवर यू डिस्कस लैंड रिफॉर्म्स यू विल एनकाउंटर दिस प्रॉब्लम लैंड होल्डिंग का, ठीक है, तो तभी आपका ये इशू क्लियर हो जाएगा। और लैंड रिफॉर्म्स में हम लोग फिर बात करेंगे लैंड लीजिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इन सारे चीज़ों की, तो अगेन चीज़ें वहीं पर आपकी क्लियर हो ही जानी है। एग्री मार्केटिंग की बात करें, सवाल पूछा गया है व्हाट आर द इंपेडिमेंट्स इन मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन इंडस्ट्री इन इंडिया, कैन ई कॉमर्स हेल्प इन इन ओवरकमिंग दिस बॉटलनेक्स। तो अगेन मिक्स्ड टाइप क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे, ई कॉमर्स को एग्री मार्केटिंग के साथ, सप्लाई चेन मार्केटिंग के साथ कनेक्ट करके सवाल पूछा गया है। एपीएमसी हॉट टॉपिक है, प्लीज बी थरो विद दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये एपीएमसी का पूरा इश्यू क्या है उसको समझ लीजिए। रेफरेंस के लिए मैं एक बता देता हूँ आपको, 2016 का इकोनॉमिक सर्वे लीजिएगा, और 2016 के इकोनॉमिक सर्वे में देर इज अ चैप्टर ऑन एपीएमसी, ठीक है, मॉडल एपीएमसी एक्ट और एपीएमसी के इश्यूज को लेके एक चैप्टर था, मे बी आई विल पोस्ट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा, सो दैट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है, तो वो एक बार आप पढ़ लेंगे तो ये इशू जो है एपीएमसी का एक फेयर आइडिया तो आपको आ जाएगी कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। फूड प्रोसेसिंग की बात करें, इंडिया needs to strengthen measures to promote the pink revolution in food industry for better nutrition and health, critically elucidate the statement. Already एक question था agri revolution पे, similarly यहाँ पर आपको agri revolution या food processing कहें, like
यू कैन क्लब इट इन बोथ ऑफ दिस, तो यहां पर आपको सवाल दिखाई देगा. देन कम टू लैंड रिफॉर्म्स, डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया. बेसिक सवाल है, ठीक है. इस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडियन इकोनॉमी. डिस्कस द डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया. लैंड रिफॉर्म्स डिस्कस करेंगे तो उसकी हिस्ट्री आपको पता चलेगी, उसके जो प्रॉब्लम्स रहे हैं, ठीक है, रिपीटेडली वही प्रॉब्लम रहे हैं, हिस्ट्री में भी वही प्रॉब्लम थे, आज भी वही प्रॉब्लम है, तो कोई नई चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे ही नहीं. वॉट आर द रिफॉर्मेटिव स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर इफेक्टिव. PDS, MSP, सारी चीज़ें जो है, आई पर्सनली प्रेफर टू क्लब देम अंडर वन टाइटल, दैट इज फूड सिक्योरिटी. बताऊंगा क्यों मैं उसको फूड सिक्योरिटी में ही रखता हूँ. सो फूड सिक्योरिटी में एक और क्वेश्चन है MSP. अगर आप ऐसे सवालों में गलती करेंगे तो देन देर इज एब्सोल्युटली नो चांस, ठीक है. तो ये MSP से एक और चीज़ याद आ गई, आप एक कॉबवेब फिनोमिना करके थी 2020 के इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है, तो उसको कर लीजिएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू सब्सिडीज अफेक्ट द क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमी ऑफ फार्मर. What is the significance of crop insurance, minimum support price and food processing for small and marginal farmers? ठीक है, तो ये भी अगेन बेसिक इश्यूज पर ही सवाल पूछा गया है. एग्री फाइनेंस जो कि डायरेक्टली आपके सिलेबस में मैंशनड नहीं है, बट स्टिल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. तो आई हैव ऑल्सो कवर्ड एग्री फाइनेंस एज माइक्रो टॉपिक्स देयर. सो इन द विलेजेस इटसेल्फ नो फॉर्म ऑफ क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन विल बी सुटेबल एक्सेप्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटी. ऑल इंडियन रूरल क्रेडिट सर्वे इज सजेस्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. सो डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द बैकग्राउंड ऑफ agricultural finance in India. What constraints and challenges do financial institutions supplying agricultural finances? How can technology be used to better reach and serve rural clients? So basics are सवाल है, ठीक है, काफी important सवाल है. इसमें ज्यादा सवाल बने नहीं है अभी तक, तो हो सकता है कि माइक्रो फाइनेंस को लेके और एग्री फाइनेंस को लेके, ठीक है, इन सारे मुद्दों को लेके सवाल कुछ बन जाए. फूड सिक्योरिटी की बात करें, फूड सिक्योरिटी बिल इज एक्सपेक्टेड टू एलिमिनेट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया. क्रिटिकली डिस्कस वेरियस अप्रहेंशंस इन इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अलॉन्ग दी कंसर्न्स इट हैज जनरेटेड इन WTO. फूड सिक्योरिटी के ऊपर एक और क्वेश्चन है, वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज गिवन टू फार्मर्स एट अ नेशनल एंड स्टेट लेवल. क्रिटिकली एनालाइज द एग्रीकल्चर सब्सिडी रिजीम विथ रेफरेंस टू द डिस्टॉर्शंस क्रिएटेड बाई इट. बेसिक सवाल है. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं MSP की बात करी गई है, देन देर इज दिस एग्रीकल सब्सिडी की बात करी गई है. तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पर भी सब्सिडी की बात करी गई है. तो एक ही पेज में आप देख सकते हैं कई बार ये क्वेश्चन जो है आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे. तो ये रहे आपके एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन. अगर आप एग्रीकल्चर में प्रोमिनेंट थीम्स को आइडेंटिफाई करना चाहें तो यू कैन से कि फूड प्रोसेसिंग जो है काफ़ी अच्छे से आपको करनी है, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न काफ़ी अच्छे से करना है, उसके बाद में इरिगेशन के जो इश्यूज है वो सही से करने हैं, लैंड रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से कीजिए, एंड फाइनली फूड सिक्योरिटी का जो इशू है जिसमें MSP, PDS के जितने भी इश्यूज होंगे, सब्सिडी के इश्यूज होंगे, यू शुड बी थरो विद ऑल दोज इश्यूज, ठीक है. तो कहीं ना कहीं डोमिनेंट थीम्स यही होगी, ज्यादातर सवाल इन्हीं थीम्स में आपको दिखाई देंगे. बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में यहाँ पर आप सवाल देख सकते हैं, हाउ डज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 डिफर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग EIA नोटिफिकेशन ऑफ 2006. वाटर कंजर्वेशन को लेके सवाल है जल शक्ति अभियान में, तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं. पोल्यूशन के ऊपर सवाल है NCAP प्रोग्राम को लेके, वॉट आर द की फीचर्स ऑफ NCAP इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. स्कीम्स में ही आप इसको क्लब करेंगे. एनवायरमेंट बेसिक के ऊपर सवाल है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इको सिस्टम एज अ रिलेवेंट टू एन एनवायरमेंट. अगेन बेसिक, ठीक है. नाउ सरप्राइजिंगली यू विल नोटिस कि यहाँ पर आपके सिलेबस में जो आप प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट पढ़ते हैं उसके बारे में कोई हार्डली ही मेंशन है, बट जो भी आप प्रीलिम्स में बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं ऑल दोज कैन बी आस्क्ड एट योर मेंस लेवल टू, ठीक है. तो आपको उस हिसाब से इसमें तैयार रहना होगा. पोल्यूशन के ऊपर सवाल है, वॉट आर द इम्पेडिमेंट्स इन डिस्पोजिंग द ह्यूज क्वान्टिटीज ऑफ डिस्कार्डेड. अगेन सेम थिंग जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ी है उसी के ऊपर सवाल है. वेटलैंड्स आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है उसी के ऊपर सवाल है. हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्या है, अगेन सेम थिंग इन प्रीलिम्स से ही क्वेश्चन है. क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम,
हाउ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, हाउ हिमालय एंड कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। अब देखिए GS1 में मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक बताया था कि देखिए क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हिमालयाज जो है, कोस्टल एरियाज जो है, दे आर हाउ देयर इकोलॉजी इज चेंजिंग, किस प्रकार के चेंजेस वहां पर आ रहे हैं, उसको लेके कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। सो वो भी आप अगर रेफरेंस लें, वहां पर प्रिपेयर करें, यहाँ पर प्रिपेयर करें, आपकी बात बन जाएगी। रिहैबिलिटेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स विच ऑलवेज अट्रैक्ट्स कॉन्ट्रोवर्सी वाइल प्लानिंग मेजर प्रोजेक्ट्स। डिस्कस the measure suggested for mitigation of this impact while proposing major development projects, again environmental impact assessment से ही आपको ये question दिखाई देगा। There is interesting question regarding illegal mining, discuss Ministry of Environment and Forest concept of go and no go zones for coal mining। तो ये थोड़ा सा detail में सवाल हो गया, it was like contemporary news में ये बना हुआ था, तो हो सकता है कि आप miss कर जाए इसको, तो ऐसे questions एक आध दो questions होंगे जो कि miss हो जाएंगे, बट अदरवाइज अगेन समथिंग यू कैन राइट एटलीस्ट एक पार्ट तो आप इस क्वेश्चन का फुलफिल कर ही सकते हैं कि व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इलीगल माइनिंग, मे बी गो एंड नो गो जोन्स जो है कोल माइनिंग के, वो आपको नहीं भी याद हो। क्लाइमेट चेंज की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, शुड द परसूट ऑफ कार्बन क्रेडिट एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सेटअप अंडर UNFCCC बी मेंटेन्ड इवन थ्रू इवन टू देयर हैज बीन अ मैसिव स्लाइड इन द वैल्यू ऑफ कार्बन क्रेडिट, डिस्कस विथ रिस्पेक्ट टू इंडियाज एनर्जी नीड्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिक सवाल है, अगर आपकी कार्बन क्रेडिट प्रीलिम्स में क्लियर है तो यहाँ पर उसके इश्यूज ही आपको पढ़ने थे, तो वो सही से आपका क्लियर हो जाएगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे सवाल है अगला, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर प्रोजेक्ट इज क्लियर बाय द गवर्नमेंट, डिस्कस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स लोकेटेड एट पिट हेड्स। सो अगेन EIA की जब भी आप बात करेंगे, यू कैन नॉट लिमिट योर अंडरस्टैंडिंग टू जस्ट EIA, तो अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ देख लेंगे कि ये EIA कैसे किया जाता है, क्या क्या इश्यूज उसमें ओरिजिनेट होते हैं, तो आपका इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा, सो वी आर एक्सपेक्टिंग ऑल्सो कि कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा और उसमें फिर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो दैट इज लाइक अ गुड क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन दोस इशूज, तो आपका प्रिपरेशन उस हिसाब से होना चाहिए। बात करें CRZ की, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, अगेन एनवायरनमेंट आपका प्रीलिम्स में ही है, बेसिक में कवर होता है, तो यहाँ पर वही आपको यूज़ करना है। कोस्टल सैंड माइनिंग वेदर लीगल और इलीगल पजेस वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सैंड माइनिंग अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट सिटिंग स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, बेसिक सा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। Then, not many years ago, river linking was a concept, but it became reality in the country. Discuss the advantages of river linking and its possible impact on the environment. Basic सा सवाल है, prelims में भी पढ़ेंगे, mains में भी पढ़ेंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। NMCG के बारे में question है, again आपने इसको काफ़ी अच्छे से prelims में ही cover करा होता है। Water conservation की बात करें, national water policy को लेके सवाल है, ठीक है, एंड इट इज आस्किंग टेकिंग रिवर गैंजेस एज एन एग्जाम्पल, डिस्कस द स्ट्रैटेजीज विच मे बी अडॉप्टेड फॉर रिवर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, वॉट आर द लीगल प्रोविजन्स फॉर मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट इन इंडिया। तो दो पार्ट में क्वेश्चन है, बेसिक आपका अगर प्रीलिम्स में एनवायरमेंट क्लियर होगा तो आप इसको बिना किसी दिक्कत के अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलते हैं अगले इशू पर, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में देखिए, डिस्कस द रिसेंट मेजर्स इनिशिएटेड इन द डिजास्टर मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर रिएक्टिव अप्रोच। अगेन बेसिक अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट्स के प्रिपेयर करें, यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस, एक्सप्लेन हाउ हजार्ड जोनेशन मैपिंग विल हेल्प इन डिजास्टर मिटिगेशन इन द केस ऑफ लैंडस्लाइड। अगेन अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट के बेसिक से प्रिपेयर करना शुरू करें तो पहला पार्ट आप काफी आसानी से आंसर कर सकते हैं, और इंडिया की प्रिपेयर्डनेस की हम लोग जब भी बात करेंगे तो हम उसमें हजार्ड जोनेशन मैपिंग के डिस्कशन करते ही करते हैं। लैंडस्लाइड इन ऑल हैज बीन अ हॉट टॉपिक, GS1 में भी कई बार लैंडस्लाइड पूछा गया है, तो वी एनी वे हैव टू प्रिपेयर दिस लैंडस्लाइड वाला इशू। वल्नरेबिलिटी इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग डिजास्टर इम्पैक्ट एंड इट्स थ्रेट टू पीपल, हाउ एंड इन वॉट वेज कैन वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर के बी कैटेगराइज और कैरेक्टराइज।
डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी विथ रेफरेंस टू डिजास्टर. नाउ हियर जस्ट अंडरस्टैंड, जब भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू करेंगे आप चार टर्म्स पढ़ेंगे, एक होगा हजार्ड, एक होगा रिस्क, एक होगा डिजास्टर और एक होगा वल्नरेबिलिटी. तो उनके जितने भी एस्पेक्ट हैं, तो ये बेसिक चार टर्म्स होती है जब भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं. इफ यू आर थरो विद दिस टर्म्स यू बी वेरी वेल आंसर टू यू बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल. ठीक है, नेक्स्ट है इंडियाज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के जो भी मेजर्स है. देन सिंडी फ्रेमवर्क है, ह्योगो फ्रेमवर्क है. अगेन बेसिक से इश्यूज है. जब भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो इंडिया में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है NDMA, अथॉरिटीज है स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, ये सारी थरोली क्लियर होनी चाहिए. वर्ल्ड लेवल की अगर आप बात करें तो सिंडी फ्रेमवर्क एक है और ह्योगो फ्रेमवर्क. तो पहले ह्योगो यूज होता था बिटवीन 2005 टू 2015 और फिर ह्योगो फ्रेमवर्क जो है ह्योगो को रिप्लेस करता है सिंडी फ्रेमवर्क. तो दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए. तो अगेन अगर ये बेसिक प्रिपरेशन आपकी क्लियर है तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वेरी वेल. देन अगेन एज आई टोल्ड यू NDMA में आपको क्लियर होना चाहिए. तो NDMA की गाइडलाइंस पूछ ली गई थी सुनामी को लेकर. ठीक है, देन देर इज अर्बन फ्लड को लेकर क्वेश्चन है. फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड्स ड्यू टू हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स. डिस्कसिंग द रीजन्स फॉर अर्बन फ्लड्स हाईलाइट द मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस टू रिड्यूस द रिस्क ड्यूरिंग सच इवेंट्स. अगेन NDMA की गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें जो है एनी वे क्लियर हो जाएगी. या आप फ्लड्स की प्रिपरेशन करेंगे, जैसे कि हमने GS1 में बात करी थी कि फ्लड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS1 के लिए, तो उसमें भी फिर आपकी ये प्रिपरेशन हो जाएगी. कहीं पर भी कीजिएगा इट विल बी वन एट द सेम. विथ रेफरेंस टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA गाइडलाइंस डिस्कस द मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट इंसिडेंट ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन मेनी प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड. अगेन क्लाउड बर्स्ट इंडिया में काफी बड़ा इशू है. सिमिलरली एक और इशू है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, तो उसमें भी हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे सो दैट वी आर ऑन अ सेफर साइड. द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक्स अपीयर्स टू हैव इंक्रीज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. डिस्कस इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर मिटिगेटिंग देयर इम्पैक्ट हैज सिग्निफिकेंट गैप्स एंड डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. फर्दर देर इज वन क्वेश्चन. ड्रॉट हैज बीन रिकोगनाइज एज अ डिजास्टर इन व्यू ऑफ इट्स पार्टी एक्सपेंस टेम्पोरल ड्यूरेशन slow onset and lasting effect on various vulnerable sections. With a focus on the September 2010 guidelines from the National Disaster Management Authority, discuss the mechanism for preparedness to deal with the El Nino and La Nina fallouts. Very very basic question. Drought आपको समझना है, जैसे flood हमने prepare करना है. Already जो मैंने micro topic list दी थी GS1 के लिए उसमें कहा था कि देखिए flood भी prepare करने हैं, droughts भी prepare करने हैं. जैसे ही आप GS3 में पहुंच जाते हैं तो you कम टू ये आपके ड्रॉट के बेसिक्स तो क्लियर हो जाएंगे. नाउ यू हैव टू ऑल्सो डील विथ NDMA गाइडलाइंस. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है NDMA की ड्रॉट को लेके एंड यू शुड बी लाइक थरो विथ इट. हाउ इंपॉर्टेंट आर वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट. एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वॉट आर की एरियाज दैट यू वुड फोकस इन अ डिजास्टर मैनेजमेंट. नाउ बेसिक क्वेश्चन है. अगेन आई हैव टोल्ड यू ये चार टर्म्स जो है हैजार्ड डिजास्टर वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क, ये सारे जब आप बेसिक प्रिपेयर करेंगे तो यू विल एनी वे बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. देन वी मूव इन टू द वन मोर सेक्शन दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी. इंटरनल सिक्योरिटी में आप देखिएगा क्वेश्चन अगेन रिपीट होते हैं. यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करी गई है. वॉट आर द साउंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. वॉट स्ट्रैटेजी शुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फोर्सेज शुड अडॉप्ट टू काउंटर द थ्रेट इन द अफेक्टेड एरियाज. ठीक है, बेसिक अगर आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रिपेयर करेंगे स्टार्ट टू एंड, यू कैन प्रिपेयर इट इन टू वेज. एक आप तो यहाँ पर GS3 में प्रिपेयर करो और इट मे ऑल्सो हैपन कि आप मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो पोस्ट इंडिपेंडेंस तो उसमें भी आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा. दोनों में प्रिपेयर होता है, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है. देन देर इज टेररिज्म. द बैनिंग ऑफ जमात इस्लामी इन जम्मू कश्मीर ब्रॉट इन टू फोकस द रोल ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर्स. तो अगेन जब भी आप लोग इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं या सिक्योरिटी के कोई भी इशूज की बात करते हैं, कई सारी टर्म्स यहाँ पर यूज होती है. जैसे कि यहाँ पर एक टर्म यूज करी गई है ओवरग्राउंड वर्कर्स. एक आप टर्म जानते होंगे स्लीपर सेल्स. ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. देर इज लाइक एक और क्वेश्चन था हॉट परसूट को लेकर. तो इस प्रकार के कई सारे सवाल पूछे जाने की उम्मीद है. तो हमने उन टर्म्स को काफी अच्छे से समझना है और प्रिपेयर करना है.
देन एग्जामिन द रोल प्लेड बाय ओवरग्राउंड वर्कर्स इन असिस्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज, डिस्कस मेजर्स टू न्यूट्रलाइज द इन्फ्लुएंस. ठीक है, टेररिज्म पूरा जब आप पढ़ेंगे तो ये वाला पार्ट जो है आपका सही से क्लियर हो जाएगा. द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्ट्रेंथन द एंटी टेररिज्म लॉ बाय अमेंडिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 एंड द NIA एक्ट. Analyze the changes in the context of prevailing security environment while discussing the scope and the reasons for opposing the UAPA by human rights organization. Now, यहाँ से clearly indication आपको तो ये मिल गई होगी कि security से related जितने भी acts है, you should be prepared with that. I'll tell you, I'll give you a list. इसी के description box में मैं एक list आपको दे दूँगा जिसमें मैं ये जितने भी acts है, all these acts will be mentioned. Then there is left-wing extremism is showing a downward trend, but still its effect in many parts of the country you can find. Briefly explain the government of India's approach to counter the challenges posed by left-wing extremism. Now read this question and read from where we started. ठीक है, can you find the parallel? यहाँ पर पूछा गया है what strategy should government of India, civil administration, security forces should adopt? और यहाँ पर भी पूछा गया है कि क्या government of India ने करना चाहिए. तो can you like कई बार हम लोग ये कहते हैं कि क्वेश्चंस जो है रिपीट नहीं होते. राइट, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, लेकिन हमेशा जो थीम है, राइट, दिस थीम्स आर एनीवे गोइंग टू बी रिपीटेड. तो आप उन थीम्स को सही से प्रिपेयर करो, आपके नंबर जो है नंबर पक्के हो जाएंगे. बात करते हैं पब्लिक ऑर्डर को लेकर. एक सवाल है, मॉब वायलेंस इज इमर्जिंग एज अ सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन इंडिया. बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स एनालाइज द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वायलेंस. ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है. अगेन यहाँ को लेके कोई अगर आपके लॉज न्यूज़ में होंगे तो उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा. और एट द सेम टाइम आईपीसी के कुछ सेक्शंस हैं विच आर इम्पॉर्टेंट हियर मॉब वायलेंस को लेके. अगेन एक इशू भी चल रहा था कि ये मॉब वायलेंस को लेके एक्ट भी बनाया जाए, तो ये सारे इशूज जो है आपके थरो होने चाहिए. दे कैन बी आस्क्ड वन मोर टाइम. द स्कोर्ज ऑफ टेररिज्म इज ग्रेव चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी. वॉट सोल्यूशंस डू यू सजेस्ट टू कर्ब दिस ग्रोइंग मेनेस. What are the major sources of terrorist funding? Terrorism जब start to end पढ़ेंगे वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या सारा basic सही मुद्दा है. ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको difficulty नहीं होगी answer करने में. बात करते हैं next topic की, that is North East Insurgency. Again post independence India और internal security दोनों ही topics में आप इसको discuss कर सकते हैं. The North Eastern Indian North Eastern regions of India has been infested with insurgency for a very long time. Analyze the major reasons for the survival of armed insurgency in this region. ठीक है, तो अगर आप basics समझे, actually इसके जो अगर आप basics को देखें North East की insurgency को, it dates back to British era. ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी history पढ़ लेंगे तो history का part भी prepare हो जाएगा post independence का, और ये internal security जो है it will also be prepared. Then there is one more question on terrorism. Terrorism is emerging as a competitive industry over the last few decades. Basic question. Left-wing extremism persisting drives of the government of for development of large industries in backward areas have resulted in isolating the tribal population and the farmers who face multiple displacements with Malkangiri and Naxalbari foci. Discuss the corrective strategies needed to win the left-wing extremism doctrine affected citizen back into the mainstream of social and economic growth. Again basic से ही सवाल है. ठीक है, पहले दो सवालों को पढ़िए और फिर इसको पढ़िए. It is nothing beyond the scope of first two questions. ठीक है, अगेन आपकी basic preparation सही होगी, history पता है, बाकी facts पता है, government की initiatives पता है, तो you will be able to tackle this particular question very well. टेररिज्म से क्वेश्चन है, रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन वाया डिजिटल मीडिया हैज रिजल्टेड इन इंडियन यूथ ज्वाइनिंग आईसीसी. 2014 का क्वेश्चन है एक्चुअली. ठीक है, तब ये बड़ा मामला चल रहा था इसी को लेके. लेफ्टिंग एक्सट्रीमिज्म आर्टिकल 244 शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ये अगेन सिक्योरिटी और पॉलिटी का इशू आपका यहाँ पर बन जाएगा. तो थोड़ा बहुत आपको प्रिपेयर करते हुए वो प्रोविजन, जैसे कि हमने बात करनी है तीन प्रोविजंस की. ठीक है, और उसमें एक प्रोविजन होगा कि सरकार के क्या क्या प्रोविजंस है. तो सरकार के प्रोविजंस में फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स की भी बात करेंगे, और सरकार के प्रोविजंस में कोई लीगल प्रोविजंस होंगे, कोई स्कीम्स होगी, उसकी भी बात करेंगे. तो कहीं ना कहीं अगर इस अप्रोच से आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं,
तो यू विल एनी वे नो दिस पर्टिकुलर आइडिया। देन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर सवाल है, फॉर इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स एंड ऑल्सो सजेस्ट वेज टू मैनेज फेवरेबल परसेप्शन अमंग लोकल्स। तो ये थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप क्वेश्चन है राइट, तो इसमें कोई आप स्कीम्स को मैंशन कर सकते हैं फाइन, और बाकी फिर बोल बच्चन टाइप ही आपका आंसर बनेगा, कोई बहुत ज़्यादा कंक्रीट आंसर यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं था ठीक है। तो हो सकता है कि एक हाथ सवाल इस टाइप के हो। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बॉर्डर मैनेजमेंट एनालाइज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स अलोंग म्यांमार बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बॉर्डर इंक्लूडिंग लाइन ऑफ कंट्रोल, ऑल्सो डिस्कस द रोल प्लेड बाय वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस इन दिस रिगार्ड। आपके सिलेबस का डायरेक्ट पॉइंट है सिक्योरिटी फोर्सेस को लेके, एट द सेम टाइम बॉर्डर मैनेजमेंट बेसिक पढ़ना भी शुरू करेंगे तब भी आप समझ जाएंगे कि बॉर्डर मैनेजमेंट में ये तीन इश्यूज तो करने हैं ठीक है, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो और पाकिस्तान हो। एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट देन वो आपका एक क्रिसेंट और ट्राइंगल का ओपीएम क्रिसेंट और ओपीएम ट्राइंगल्स जो है उनकी भी बात यहाँ पर होगी, तो वो भी उसी के साथ प्रिपेयर कर लीजिएगा काफ़ी अच्छे से, उसमें भी सवाल बन सकता है तो वो आपका सही हो जाएगा। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स इन इज ओनली वन ऑफ द सेवरल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेसिंग द पोलिसिंग ऑफ द पोलिसिंग ऑफ द बॉर्डर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एग्जामिन द वेरियस चैलेंजेस करंटली एमिनेटिंग फ्रॉम इंडिया म्यांमार। अगेन कैन यू सी द रिपीटिशन ठीक है, यहाँ पर भी म्यांमार और बॉर्डर के बारे में क्वेश्चन है, यहाँ पर भी म्यांमार बॉर्डर के बारे में क्वेश्चन है, तो घुमा फिरा के सवाल इस पूरे इश्यूज में यहीं कहीं बनते हैं। अब ये एक आउटलायर है, द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज व्यूड एज अ कार्डिनल सब्सिडी ऑफ चाइनाज लार्जर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सीपेक एंड एन्यूमरेट द रीजंस व्हाई इंडिया हैज डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम द सेम ठीक है। तो ये एक आउटलायर होगा, अब इसका कुछ कर नहीं सकते, आईआर सही से अगर आपने प्रिपेयर कर लिया था तो यू कुड हैव आंसर्ड दिस, अदरवाइज ठीक है कोई बात नहीं। काउंटर टेररिज्म को लेके सवाल है, हॉट परसूट सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये जब हुआ था 2016 में तब की बात है ठीक है, तब ये सवाल बना था तो अगेन बेसिक सही सवाल है। बॉर्डर मैनेजमेंट पे सवाल है, बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन एंड होस्टाइल रिलेशंस विद सम कंट्रीज, एलुसिडेट द चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट। बेसिक अगर आपके प्रिपेयर्ड होंगे तो ये आप चैलेंजेस और स्ट्रेटजीज जो है इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट की यू विल बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर पार्ट फाइन। देन वी मूव टू स्पेस सिक्योरिटी, तो एविएशन लॉ को लेकर सवाल है, सो ये थोड़ा सा आउटलायर क्वेश्चन है। पब्लिक ऑर्डर को लेकर एक और सवाल था, डाइवर्स नेचर ऑफ इंडिया एज अ मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी एथनिक सोसाइटी इज नॉट इम्यून टू द इम्पैक्ट ऑफ रेडिकलिज्म विच हैज बीन इन नेबरहुड, डिस्कस अलॉन्ग विद स्ट्रेटेजीज टू बी अडॉप्टेड टू काउंटर दिस एनवायरमेंट। इंटरनल सिक्योरिटी की जब भी आप बात करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी में आपको ये इशू भी एड्रेस करना है कि इंडिया में जो एक रेडिकलिज्म की प्रॉब्लम है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी की कारण जो टेंशन क्रिएट होते हैं, तो उसके क्या क्या आस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे उसको डील करा जाए, सारी चीज़ें आपको वैसे वहीं पर प्रिपेयर करनी होती है, सो इट इज़ नथिंग न्यू। देन बॉर्डर मैनेजमेंट, इलीगल ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन डज पोज अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, डिस्कस द स्ट्रेटजीज टू कर्ब दिस, ब्रिंग आउट द फैक्टर्स विच गिव इम्पेटस टू सच माइग्रेशंस, तो ये भी एक बेसिक सही सवाल था। पायरेसी को लेके सवाल है, रादर ये 2013-14-15 में पायरेसी जो है सोमालियन कोस्ट के पास बड़ी होती थी, तो तब ये बड़ा इशू था ठीक है, अब तो खैर इतना इशू नहीं है बट स्टिल हम लोग इंडियन ओशन रीजन के कभी एक पायरेसी के इश्यूज जो है उसको देख लेंगे। देन ये चाइना पाकिस्तान का क्वेश्चन है, अगेन आउटलायर क्वेश्चन है इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके ठीक है, तो यू कैन लाइक वेरी वेल सी सेम थीम पे दो बार क्वेश्चन हो चुका है। बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करें, हाउ फार इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस लिंक्ड विद बॉर्डर मैनेजमेंट पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ द लॉन्ग पोरस बॉर्डर्स विद मोस्ट कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एंड म्यांमार। अगेन म्यांमार जो है उसका रिपीटेशन, साउथ एशिया भी आपको यहाँ पर बॉर्डर के मामले में प्रिपेयर करना है ठीक है। तो जनरली ये ड्रग और आर्म्स स्मगलिंग जो होती है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, एक्चुअली तीन एंगल्स होते हैं इसमें, इस पर्टिकुलर इश्यूज में ठीक है, उसको प्रिपेयर कर लेंगे तो इशू क्लियर हो जाएंगे। देन ये जो आपका इंडियाज प्रॉक्सिमिटी टू वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलिसिट ओपियम ग्रोइंग स्टेट्स की हमने जो बात करी, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल की मैंने ऑलरेडी मैंशन कर दिया था तो बस वहीं पे सवाल है राइट, सो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको टैकल करना। मनी लॉन्ड्रिंग पजेसेस सीरियस थ्रेट टू कंट्रीज इकोनॉमिक सोवरेनिटी, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया एंड व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू कंट्रोल दिस पर्टिकुलर मीनस। अगेन पीएमएल अच्छे से प्रिपेयर करना है,
ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है वो समझना है, एंड फाइनली ईडी को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये ईडी मामला क्या है, क्योंकि बड़ा ही यूज़ उसका हो रहा है, अब यूज़ हो रहा है मिसयूज़ हो रहा है दैट इज़ योर कॉल, ठीक है, बट एग्जाम में मत लिखिएगा कि मिसयूज़ हो रहा है, राइट। सो साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, व्हाट इज़ साइबर डोम प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग इंटरनेट क्राइम्स इन इंडिया। साइबर सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी समझ लीजिए, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं वो समझ लीजिए, साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी क्या है वो समझ लीजिए, और बाकी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा न्यूज़ में सर्ट करके एक टर्म न्यूज़ में होती है, उसको समझ लीजिए। अगर आपने उतना सब कुछ समझ लिया, आई डोंट थिंक देर इज़ एनी अदर क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। नाउ डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, मेजर रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मेनेस, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, अगर ये नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। डेटा सिक्योरिटी हैज़ अज्यूम्ड, ये डेटा सिक्योरिटी बी एन श्रीकृष्ण कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको लेके 2018 का ये क्वेश्चन था, तब ये मसला जो है बहुत अच्छे से चल रहा था। डिस्कस पोटेंशियल थ्रेट ऑफ साइबर अटैक एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट इट, अगेन जैसे कि मैंने बात करी पॉलिसी और सर्ट जो भी है उसको प्रिपेयर करना है। देन साइबर सिक्योरिटी यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बाय नॉन स्टेट एक्टर्स फॉर सबवर्जिव एक्टिविटीज इज अ मेजर कंसर्न, हाउ हैव दीज मिस यूज इन रिसेंट पास सजेस्ट इफेक्टिव गाइडलाइंस टू कर्व अबव थ्रेट। साइबर सिक्योरिटी प्रिपेयर करेंगे तो यू विल एनी वे इनकाउंटर दिस पर्टिकुलर इशूज, तो वो उसी में प्रिपेयर हो जाते हैं। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड द सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाउड होस्टिंग ऑफ सर्वर्स। सी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्लाउड होस्टिंग और मशीन बेस्ड होस्टिंग, बेसिक्स अगर आपके क्लियर हो तो ये क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। साइबर सिक्योरिटी कंसिडरिंग द थ्रेट्स साइबर स्पेस पजेस फॉर द कंट्री, इंडिया नीड्स अ डिजिटल आर्म्ड फोर्स टू प्रिवेंट क्राइम्स, क्रिटिकली इवेल्युएट दी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा पॉलिसी क्लियर हो जानी चाहिए सही से, ठीक है, पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर क्या होती है, उसकी ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, अगेन बेसिक क्वेश्चन। सोशल नेटवर्किंग साइट एंड व्हाट सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन डू दिस प्रेजेंट, यू कैन वेरी वेल सी सोशल मीडिया को लेके, सोशल नेटवर्किंग को लेके थर्ड क्वेश्चन यू कैन फाइंड, राइट। साइबर वॉरफेयर इज कंसिडर्ड बाय सम डिफेंस एनालिस्ट टू बी ए लार्जर थ्रेट दैन इवन अलकायदा और टेररिज्म। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइबर वॉरफेयर, आउटलाइन साइबर थ्रेट्स विच इंडिया इज वल्नरेबल टू एंड ब्रिंग आउट द स्टेट ऑफ द कंट्रीज प्रिपेयर्डनेस, अगेन वही पॉलिसी और सर्ट की बात साइबर वॉरफेयर को लेकर। सिक्योरिटी एक्ट्स में से एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आफ्सपा को लेकर क्वेश्चन है, दिस इज सॉर्ट ऑफ एन आउटलायर बट अगेन करंट अफेयर्स में ये बना होता है तो आपको प्रिपेयर करना है। बाकी फिर मैं एक और थोड़ी सी लिस्ट दे दूंगा जो भी हमारे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को लेकर लीगल फ्रेमवर्क है तो उसमें क्या क्या हमने प्रिपेयर करना है। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इशूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, आई एम समथिंग नॉट कंटिन्यूइंग क्योंकि ये मेरा एरिया नहीं है, फिर भी आई विल लीव द लिंक ऑफ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो उसमें आप एक बार चले जाइएगा खुद से, बाकी फिर देख लीजिएगा कहीं और अगर उसको कवर किया होगा तो दैट वुड ऑल्सो बी फाइन। बट बाकी मेरे जो इशूज़ हैं, आई फेयरली गिवन यू एन आइडिया कि एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आए थे और प्रिपरेशन की लाइन क्या होनी थी, ठीक है, तो उसमें से आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अब इसी को लेके मैंने एक माइक्रो टॉपिक लिस्ट भी बनाई है, तो इन सम अदर वीडियो वी विल डिस्कस दिस माइक्रो टॉपिक लिस्ट, यू कैन वेरी वेल सी दिस अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आई हैव इनलिस्टेड, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर दिस माइक्रो टॉपिक। सो टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।